प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के निर्देश के बाद महासमुंद जिले के तुमगांव पुलिस ने भी रेत के अवैध उत्खनन पर कार्रवाई की है। आपको बता दें, तुमगांव पुलिस ने 13 डंपर व ट्रकों को जब्त किया है, जिनके खिलाफ खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई किया जा रहा है। नदी नालों से अवैध रूप से रेत का उत्खनन और परिवहन करने के मामले में महासमुंद जिले की तुमगांव पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध रूप से रेत परिवहन करने के मामले में 13 डंपर वाहनों और ट्रकों को जब्त कर उनके खिलाफ खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को लगातार अवैध रूप से अवैध परिवहन की जाने की सूचना मिल रही थी, जिसमें नदी नालों में अवैध रूप से रेत का उत्खनन किया जाकर उसका परिवहन किया जा रहा था। लगातार मिल रही सूचनाओं के मद्देनजर पुलिस ने वाहनों की जाँच शुरू की। इसी दौरान अंचल के विभिन्न नदी नालों से रेत का अवैध खनन कर परिवहन कर रहे 13 वाहनों को रोककर पूछताछ की गई, जिनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं था, जिसे उन्हें जब्त किया गया है और खनिज अधिनियम के तहत तुमगांव पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। हम आपको बता दें कि जिला प्रशासन द्वारा रेत के अवैध परिवहन और भंडारण को लेकर इन दिनों सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। महासमुंद से किशोर कर की रिपोर्ट, ACN 24।